अस्सलाम वालेकुम। आज नूर किचन स्टोरीज़ में बन रहा है बोनलेस तवा चिकन। बहुत ही कम वक्त में बनने वाली मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तेल गरम किया है, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लगे तो आपने चिकन डालना है। इसमें मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हड्डी के साथ भी चिकन ले सकते हैं और उसका बड़ा पीस भी रख सकते हैं। चिकन बस इतना फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए और इसके अलावा हमें इसे पकाना नहीं है। अब हम इसमें जो बाकी मसाले हैं वो डाल देंगे, जिसमें नमक है, लाल मिर्च है, ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, कुटी लाल मिर्च और हल्दी। और ये सादा से मसाले हैं जो आम रूटीन में हर हांडी में ही तकरीबन डालते हैं, बस वो इसमें डालने हैं मैंने। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा पानी जो है वो मैंने डाला है ताकि जो मसाला है वो नीचे लगे ना। मसाला अच्छे से पक जाए तो इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज डाला है, वो फाइनली चॉप है। प्याज को अच्छे से मिक्स कर लें। और फिर टमाटर उसे चॉप करके वो डालना है। अगर आप ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो प्याज की जो क्वांटिटी है वो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम मसाले वाला, जिसमें के जो मसाला है वो चिकन के पीस के साथ ही लगा होता है, अच्छा लगता है। इसको आप रायते के साथ और चाहे तो तंदूर की रोटी के साथ खाएं, या सुबह इसे पराठे के साथ भी खा सकते हैं, वो बहुत मज़े का लगता है। थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया था ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। अब बस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत जल्दी जल्दी से बन जाती है। थोड़ा सा लेमन जूस डाला मैंने और हरी मिर्चें। इसे थोड़ा सा कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, बस 5-6 मिनट, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि चिकन जो है वो बोनलेस है ऑलरेडी, वो जल्दी ही पक जाएगा। बस प्याज और टमाटर को नरम करने के लिए इसे कवर करके पकाना है थोड़ा सा। बस उसके बाद अच्छे से जल्दी जल्दी से इसे स्टर करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हरा धनिया, चाट मसाला और ये गरम मसाला, बस ये डाल दें। साथ में आप जैसे भी इसे डेकोरेट करना चाहें, मैंने इसे प्याज के साथ डेकोरेट किया है और लेमन और हरी मिर्च, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप
जैसे इसे डेकोरेट करना चाहें। इसके सर्व करने का जो तरीका है वो यही है कि इसे गरम गरम इसी तवे के साथ ही आपने सर्व करना है, जिस तरह ये पड़ा है इसी तरह जाके आपने अपने घर वालों के आगे, मेहमानों के आगे इसी तरह रखना है इसको, और ये बहुत अच्छी एक लुक देता है। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।